आतुर और लयबद्ध होकर अपनी पारंपरिक पोशाक में वेशभूषा में आप सभी का देवभूमि में स्वागत है। और देवी भजनों, इस पारंपरिक स्वागत के बाद अब आमंत्रित करते हैं हमारे मेजबान राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके नेतृत्व में और जिनके पीस टू प्रॉस्पेरिटी के संकल्प में उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने और इसके साथ साथ एक प्रिफर्ड निवेश गंतव्य के रूप में तैयार करने की तरफ अपने अथक प्रयास करती आई है, जहां पर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ पीस ऑफ डूइंग बिजनेस भी महसूस होगा। तो आप सभी की विशेष तालियों के बीच मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कर्मठ गतिशील प्रगतिशील माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। होता हुआ नजर आ रहा है, पारंपरिक गीत से इसकी शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। इसके उद्घाटन समारोह में, आज के इस उद्घाटन समारोह के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे पथ प्रदर्शक मां भारती के सच्चे सपूत और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल गुरमीत सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे सभी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्रीगण, सभी मेरे साथ मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण और कार्यक्रम में उपस्थित उद्योग जगत से आए हुए देश दुनिया के सभी हमारे उद्योग बंधु, पूज्य स्वामी रामदेव जी, चिदानंद जी सहित सभी आए हुए उत्तराखंड पधारे सभी महानुभावों का मैं राज्य की 125 करोड़ जनता की ओर से यहां पधारने पर आप सभी का द्रोण नगरी देहरादून में आयोजित इस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में राज्य की जनता की ओर से अपनी ओर से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने मां भारती के मुकुट की शोभा बढ़ाने का काम किया है और समाज को सही दिशाने का सही दिखा दिखाने का भी कार्य किया है। इनमें से कई ऐसी विभूतियां हैं जिनके बारे में हमने केवल सुना है या उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, लेकिन जब भी हम आज राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर देखते हैं तो हमें उन सभी महान विभूतियों का अंश हमारे प्रधानमंत्री जी में दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां स्वामी विवेकानंद की भांति भारतीय संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में लहराने का काम उनके माध्यम से हो रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भांति राष्ट्र को सुदृढ़ एवं संगठित बना रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर की भांति शोषितों और वंचितों को उनकी चिंता कर रहे हैं और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरह उनके आदर्शों पर चलते हुए अंत्योदय के स्वप्न को साकार करते हुए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस महान यात्रा के सहयात्री हैं जिस यात्रा का गंतव्य भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस कठिन परिश्रम द्वारा भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, यह न केवल मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतीयों के मन में और अधिक परिश्रम करने के लिए आशा और विश्वास का बीज भी रोपित करने का काम आपका परिश्रम और आपका संकल्प करता है। आज केवल भारत ही नहीं
बल्कि विश्व के अन्य देश भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उनकी रणनीति और उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है महाजनो येन गथा सा पंथा, यानी कि जिस मार्ग पर विद्वान लोग चलें उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हम भी हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा विकल्प वही संकल्प को लेकर एकनिष्ठ होकर लगातार उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भाइयों बहनों, डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी, रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के द्वारा राज्य का समुचित विकास करना है। किसी ने ठीक कहा है कि बुलंदियों पर पहुंचने से पहले बुलंदियों पर पहुंचने से मुश्किल है बुलंदियों पर बने रहना, बुलंदियों की छूने की कोशिश का हौसला हमने आपसे पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर दो वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है और इसके धरातल पर उतरने से लाखों रोजगारों का सृजन भी यहां पर होगा। हमारा राज्य एक शानदार होस्ट है। हम प्रत्येक वर्ष करोड़ों तीर्थयात्रियों का और पर्यटकों का आतिथ्य सत्कार करते हैं। करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाला हमारा राज्य लगभग 7 करोड़ लोगों का प्रबंध करता है। इसके बावजूद हमारे राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो उच्च कोटि की है। भाइयों बहनों, जितना मैं समझ पाया हूं उसके अनुसार एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियां और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबोहवा भी है। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। उत्तराखंड में लैंड बैंक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सशक्त लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए एक अनुकूल माहौल का निर्माण करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गुजरात में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर एंड एग्जीबिशन सेंटर बनाया गया है, उसी की तर्ज पर हम शीघ्र में हमने ये संकल्प लिया है कि शीघ्र ही हम जो है उत्तराखंड के अंदर भी एक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करेंगे। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने विभिन्न सेक्टर्स में निवेश मित्र की नियुक्ति की है, जो 5 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश करने वाले उद्यमों के लिए सिंगल प्वाइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होंगे। उत्तराखंड में किया गया निवेश सुरक्षित हाथों में है और हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में निवेश करने पर आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सिर्फ कुछ वर्षों के भीतर ही उत्तराखंड ने अपनी एक नई पहचान स्थापित की है। अब उत्तराखंड को गुड गवर्नेंस एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज के लिए भी जाना जाता है। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सपने हमने देखे थे वो सपने भी धीरे धीरे सच होते हुए नजर आ रहे हैं। आज उत्तराखंड में जहां एक ओर परिवहन सेवाओं का विस्तार हुआ है, वहीं अब नए एयरपोर्ट्स, रोपवे तथा हेलीपोर्टों के निर्माण तथा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उत्तराखंड एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। भाइयों बहनों, हम नौजवानों को प्रदेश में जो इंडस्ट्री का आईटी हब बनाना चाहते हैं, हम प्रदेश में स्थित हमारे जो एक से एक आज
विश्व स्तरीय संस्थान हैं, पंतनगर विश्वविद्यालय, आईआईटी रुड़की, एफआरआई, आईआईएम काशीपुर जैसे विश्व स्तरीय संस्थाओं से निकलने वाली हमारी युवा पीढ़ी को राज्य के अंदर ही रोजगार भी देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास सामर्थ्य है और यही विश्वास हम अपने निवेशकों को भी दिलाते हैं। भाइयों बहनों, एक ओर डबल इंजन का मजबूत इरादा, दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा हुआ उत्तराखंड, इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन शायद ही कहीं और मिले। आपका निवेश आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ उत्तराखंड में निवेश करने के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते ये भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके संकल्पों को सिद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। आप इस देवभूमि में पधारिए, शानदार संभावनाओं को समेटे हुए डेस्टिनेशन उत्तराखंड आपके स्वागत के लिए तैयार है, तत्पर है। अंत में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमको अपना आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया और आज यहां पधारकर हमारा इस मार्ग का और तेजी से चलने के लिए हमारा प्रोत्साहन किया, मैं उनका आप सबकी तरफ से समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जहां अपने संबोधन में उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के जरिए देश में विकास हो रहा है और किस तरह से उत्तराखंड के विकास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से संकल्प है और प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प दृढ़ है। धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने महान यात्रा की शुरुआत की अपने संबोधन के दौरान जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। हम सब उस यात्रा में शामिल हैं। इन्वेस्टर्स समिट की आज से शुरुआत होने जा रही है, इसका आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे थोड़ी देर में। प्रधानमंत्री उद्घाटन के साथ साथ आपको बताते चले कि संबोधित भी करेंगे और अपने संबोधन के दौरान उत्तराखंड को लेकर बात करते हुए नजर आए। इन्वेस्टर समिट में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज स्ट्रीट पर देख रहे हैं। पल पल की अपडेट आप न्यूज स्ट्रीट पर देख रहे हैं। समिट से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि सरकार